सुप्रभात मान्यवर, आज हम निकल रहे हैं मोखरा गोरा से उद्देश्य के लिए और फिर आगे का जो हमारा सफ़र है वो हम शुरू करेंगे। तो फिलहाल मोखरा गोरा को बाय बाय करने का समय आ गया है। ये था हमारा आशियाना, बहुत खूबसूरत। अगर यहाँ पे आप आना चाहें तो मैं 10 में से 10 की रेटिंग दूंगा। जो यहाँ पे हमारे होस्ट थे सच में बड़े अच्छे थे, किसी तरह की कोई समस्या उन्होंने आने नहीं दी। हर बात पे बार बार पूछते थे कि कोई कमी तो नहीं है। तो फिलहाल अब हम लोग चलेंगे, यहाँ आगे बस स्टैंड है, वहाँ पे रुकना है और 10 मिनट में बस आने वाली है। सो ओके, सो इट वॉज़ अ गुड स्टे हियर। सो वी रियली एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच मोखरा गोरा। यस इन समर्स। Now, actually, I'm planning to come in summer because I think in summer it will be beautiful here. Yes. Alright, and it's better than. I want to ride that small train. But we will come in summer. Okay. Oh, in summer is yes. Going every day. Every yeah, day. Yeah, every day. Every day. Oh, okay, okay. It's very beautiful. Yeah. So our next trip will be in summer. Okay. So, thank you, and see you. Oh, see you. Bye. 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 ये है जी बस स्टैंड। यहाँ पे गांव का बस स्टैंड है छोटा सा। यहाँ से सिर्फ 2 बसें चलती हैं उज़िस्से के लिए, एक सुबह 10:30 बजे यानी कि अभी, और एक चलती है शाम को 4:30 बजे। दिन भर में कोई बस नहीं चलती है। रेकमेंड करूँगा कि अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप 2 नाइट स्टे कर सकते हैं। मोखरा गोरा में बहुत खूबसूरत है, वो विलेज ऊपर बहुत खूबसूरत था। यहाँ से एक और चीज़ है जो हम मिस कर गए, वो है यहाँ की वो ट्रेन जर्नी। 9 किलोमीटर वो लेके जाती है पहाड़ों से, टनल से, और मैंने इंटरनेट पे बहुत पढ़ा उसके बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो ट्रेन बंद है। कभी दोबारा से आने का मौका मिला सर्बिया तो मैं ज़रूर आऊँगा, इस जगह पे मैं ज़रूर आऊँगा और उस ट्रेन में एक बार सफ़र करना चाहूँगा। तो फिलहाल अभी हम लोग बस का वेट करेंगे, 5 से 7 मिनट में बस आ जाएगी और आगे हम निकलेंगे फिर उद्देश्य के लिए। असल वो बस तो आई नहीं, पता नहीं लेट हो गई या क्या हुआ, लेकिन हमें एक गाड़ी मिल गई है यहाँ से उज़िस्से के लिए। तो फिलहाल ये भाई साहब हमें छोड़ेंगे अब उज़िस्से। अरे भाई ये कह रहा तारा ले जाएगा फिर उज़िस्से। 4,000 मांग रहा भाई। अरे तो रुकेगा थोड़ी ना, रुकेगा ना, अभी तो उसको सब्जी नहीं आ रहा। सो अच्छा रुकिए रुकिए, आराम से पहले चलने दीजिए, एक जगह जहाँ गाड़ी रुकेगा वहाँ बात। कैन यू स्टॉप द कार प्लीज हियर? ओके, इससे हम कुछ बात करना चाह रहे हैं एक्चुअली। इंटरनेट ही नहीं है यहाँ पे यार। अरे आपने पे करना यार, आप लोगों का MTS है यहाँ पे। विच फटाफट लिख के देना। इंटरनेट आई एम क्रैम ना पहुंच पा। ओके
3500 में इसको बना रहा हूँ मैं भाई, 3500 में हो जाएगा। और 3500 जहाँ 15 दे ही रहे हैं, 2000 देने में क्या सारा घूम लेंगे। Exactly. विवेक ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है। अरे उसको बोलो इट्स डन। ओके ओके ओके। ये हमें मिले हैं, इन्होंने कहा कि अब ये हमें लेके जाएंगे तारा, मतलब पूरा दिन भर आज हमें घुमाएंगे। हाँ यही है, ये वो बस थी दरअसल जिसमें हमें जाना था, लेट हो गई लेकिन कोई बात नहीं, हमें इससे भी अच्छा ऑप्शन मिल गया, इससे अच्छा डील भी मिल गया, इससे अच्छी डील भी मिल गई। दरअसल ये जो भाई साहब हैं ये हमें बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे जगह है इसका नाम है श्रृंगल, और तारा जो नेशनल पार्क है वो इस पहाड़ी से बिल्कुल पीछे है, तो वहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे। ये दरअसल यहाँ पे पैसे रखे हुए हैं, ये दरअसल लकड़ी की एक मूर्ति है जिसमें दो लोग हैं और काफ़ी पुरानी मूर्ति है, यहाँ पे पैसे रखे हुए हैं। और ये कुछ कुछ वैसा लग रहा है कि जैसे वो देवताओं को सम्मानित किया जाता है या देवताओं के सामने कुछ भेंट रखी जाती है, वैसे ही कुछ है ये। और यहाँ पे छोटी सी जगह है, ओह यहाँ पे एक सैनिक को दिखाया गया है, यूगोस्लाविया के ज़माने के एक सैनिक अंदर एक बॉक्स में, लकड़ी का बॉक्स है, उसमें अपने हथियार लेके बैठे हुए।
और ये इसका ढक्कन है, यानी कि सोचिएगा इस तरह से सैनिक छोटे छोटे लकड़ी के जो इस तरह के बॉक्स बने हुए हैं इसमें ये लोग रहते थे, और ये था इनका सारा तामझाम उस ज़माने का। अरे इन्होंने दान पेटी रखी हुई है कुछ पैसे वैसे डालने के लिए। ये देखिए ये इनकी ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, ये सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या बात है। ये एक छोटा सा गांव को दिखाया गया है यहाँ पे किस तरह से था। ये क्या है? अच्छा ये वो विंड मिल चक्की। ये पुराने कार, क्या बात है। अगर आप किसी लोकल के साथ में आते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये है वो पुराना यूगोस्लाविया जो आज का सर्बिया है। अगर आप यूगोस्लाविया का इतिहास देखना चाहते हैं तो ऐसे ही गांव में आपको आना पड़ेगा, बहुत सारी आपको चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। यूगोस्लाविया में जो नक्काशी की जाती थी वो ज़्यादातर लकड़ी पर की जाती थी, और लकड़ी के घर होते थे पूरे घर, और लकड़ी पर ही ये मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ये आप देखेंगे पूरा एक घर है छोटा सा लकड़ी का बना हुआ है, और बड़ा खूबसूरत घर है। ये पुराने यूगोस्लाविया के टाइम के यहाँ पे कुछ औजार रखे हुए हैं, ये आप देखिएगा। ये हमारे यहाँ पे भी होता है हिमाचल प्रदेश में और या उत्तराखंड में लकड़ी को काटने के लिए। लकड़ी की जब चिराई होती थी जब मशीन नहीं थी तो इसका ही इस्तेमाल करते थे। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये कोई हल है या नीचे रख के ऐसे करके हल टाइप का लग रहा है। हाँ हल लग रहा है क्योंकि ऊपर से वो बैल जोतने के लिए। क्या है ये मुझे देखना पड़ेगा। दरअसल क्योंकि ये यहाँ की भाषा में लिखा हुआ है अब मेरे को समझना आसान नहीं होगा, इसके लिए मैं गूगल भाई साहब का इस्तेमाल करूँगा कि क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पैसे फेंके हुए हैं बहुत सारे। ओ ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे हिमाचल में भी पत्थर के देवता होते हैं, ये इस गांव के देवता हैं। और यहाँ आप देखेंगे कितने सारे पैसे रखे हुए हैं, कैश भी रखा हुआ है, कॉइन्स भी रखे हुए हैं। और आप कुछ लिखना चाहें तो अपनी विश, आपको विश जो है इस पे लिख के डालनी है। वो पर्चियाँ से आप देखेंगे वहाँ पे कोई भी विश लिख लीजिए, वहाँ पे आपको उस पर्ची को डालना है और आपकी विश पूरी हो जाएगी। और बहुत सारी पर्चियों में लोगों ने अपनी विशेज यहाँ पे पूरा भरा हुआ है ये विशेष से ऊपर तक। ओह वाओ, हमारे विवेक भाई एक विश लिख रहे हैं और ये भी परंपरा तो निभानी पड़ेगी। अब ये परंपरा निभा रहे हैं, अच्छी बात है, परंपरा निभानी चाहिए। Okay. Ставим у чашок ті крем. Чуємо се. Сад ће они да се ту нагну на телефон и слушају. It's okay? Yes, it's okay. Hello. 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 Hi. Well, you're in Krenna village.
This village is famous for Jenna's property, you know, there lived people who could see in the future, you know. I don't know if you heard that, something about that. Yes, yes, we know, you know. Manjo Bhabisa Deksakta. You know, uh-huh, yes. Okay. So, they lived in the 19th century and then... ये जो भाई साहब हैं दरअसल इन्होंने किसी महिला को एक फ़ोन मिलाया और उन्होंने हमारे को यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की और यहाँ पे जाके बहुत सारे जो है सुवेनियर्स रखे हुए हैं। दरअसल इन्होंने कोशिश किया कि ये सुवेनियर को दरअसल हमें समझाना चाह रहे थे कि यहाँ पे जो स्टोन्स हैं ये लकी स्टोन्स हैं, इनको अगर आप ख़रीदेंगे तो आपकी किस्मत जो है अच्छी हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ हमारे भारत में भी है। लेकिन एक बात पता चली कि जो इस गांव का नाम है वो है क्रेमना, वो है यहाँ के पत्थर की वजह से, क्योंकि ये पूरा यह चट्टान के ऊपर एरिया है, तो क्रेमना का मतलब सर्बियन में होता है पत्थर। और एक बात और पता चली कि यहाँ पे जो अंकल जी थे, ये अंकल जी कुछ स्पेशल हैं, जो सबसे पहले ये आपको दिखा देता हूँ, ये प्रेडिक्शन कर सकते थे यानी कि भविष्य के भविष्य बता सकते थे, भविष्यवक्ता। तो आज भी इनको यहाँ पे काफ़ी अहमियत दी जाती है। तो यहाँ पे लोग, आपने देखा अभी जैसे विवेक ने भी अपनी एक विश लिख के वहाँ पे डाल दी है, तो कहते हैं कि ये भविष्य के बारे में, ठीक वैसे ही जैसे कुछ कुछ हमारे भारत में भी होता है, ठीक वैसा ही कुछ है, भविष्य बताएंगे, भविष्य उज्जवल होगा, वो स्टोन आपको रखना है अपने साथ में, लकी स्टोन वगैरह, ठीक है। अपनी सभ्यता है ठीक हमारे से मैच करती हुई। लोकल लोगों के साथ में घूमने का यही एक मज़ा होता है कि वो आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाते हैं जिसके बारे में मतलब ज़्यादातर उसको ढूंढ पाना, उस जगह के बारे में पता कर पाना संभव नहीं होता है। अभी ये गांव है यहाँ पे क्रेमना, ये आप देखेंगे ये सामने एक बड़ा खूबसूरत गांव है, ये है जी असली सर्बिया, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और हम लोग भी भारत से इतने दूर आए हैं। सच बात यह है, अच्छा लग रहा है। सर्बिया का अंदरूनी हिस्सा हम लोग देख रहे हैं इस समय, वो शहर के भीड़ भड़ाके से दूर, शोर शराबे से दूर, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर हैं। अब फ़िलहाल चलते हैं आने वाले हमारे अगले पड़ाव की तरफ। We have traveled so many countries, and this is first time in Serbia that someone is asking that I want more money. Small money. और भारत के लोगों को ना ये लोग बेवकूफ़ बना नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। ये आप देखिएगा, ये बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह से स्कैम होते हैं, ये दरअसल टैक्सी स्कैम्स हैं।